आप सभी को मेरी नमस्कार। आज आपके सामने एक जन्म विवरण लाया हूँ। इस जातक का जन्म विवरण है 31 जुलाई 1972, दिन सोमवार, सुबह के 8:46, गुंटूर, जगह है आंध्र प्रदेश में। तो हम देखेंगे कि इस जातक का की शादी कब हुई। सबसे पहले आपको बता दूँ कि शादी के लिए जो नियम है, सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी यदि, दूसरे भाव परिवार का, सातवें भाव शादी का, 11वें भाव इच्छा पूर्ति का कार्यश हो तो शादी अवश्य होती है। वो भी 2, 7, 11 भावों के कार्यश ग्रहों की दशा अंतरदशा में या मौजूदा महादशा के साथ कनेक्टेड ग्रहों की दशा में तथा साथ में रूलिंग ग्रह भी इस्तेमाल में लिए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखें कि जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, 1 से लेकर 12 भावों के राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी, उपनक्षत्र स्वामी दिए हैं। तो नियम के अनुसार सप्तम भाव से जीवन साथी, जो कि कुंडली में यहाँ पर आप देख रहे हैं सप्तम भाव, तो सप्तम भाव से जीवन साथी, लगन से जातक, सप्तम भाव से जीवन साथी, तो सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी बुध है। और यदि आप देखें, ये चार्ट मैंने आज 14 फरवरी 2018 को रात को 11:13, 11 सेकंड पर और लुधियाना शहर में लिया, तो सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी इस समय के रूलिंग ग्रहों में दिन स्वामी के रूप में आया है। तो यानी कि सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी बुध जो है वो ठीक है। अब आगे हम गणना करेंगे। सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी बुध जो है अपने ही नक्षत्र में है और गुरु के उपनक्षत्र में है। बुध के नक्षत्र में कोई ग्रह है तो हम देखेंगे कि बुध के नक्षत्र में मंगल है। इस प्रकार से जो बुध है वो टेनेंटेड है और टेनेंटेड ग्रह का उपनक्षत्र स्वामी अपने नक्षत्र तक का फल देने में सक्षम रहता है। बुध का उपनक्षत्र स्वामी गुरु है। गुरु जो है केतु के नक्षत्र में है। तो आइए सबसे पहले हम देखें कि बुध जो है 12वें भाव में स्थित है, 2 और 11 भावों का स्वामी है, अपने ही नक्षत्र में रीइन्फोर्समेंट है यहाँ पर। और गुरु के उपनक्षत्र में गुरु 4 भाव में स्थित है, 5-8 भावों का स्वामी है। तो यहाँ पर हमें बुध के द्वारा 2रा भाव परिवार, 11वां भाव इच्छा पूर्ति, उसके नक्षत्र स्वामी जो कि वो अपने ही नक्षत्र में है, 2रा और 11वां भाव मिला है। और पांचवा भाव भी सपोर्टेड भाव माना जाता है शादी के लिए, क्योंकि पांचवा भाव प्रेम का होता है। अब बुध जो कि टेनेंटेड है गुरु उसका उपनक्षत्र स्वामी है, गुरु आगे केतु के नक्षत्र में है, केतु 11वें भाव में इच्छा पूर्ति के भाव में स्थित है। और यदि हम केतु के और कारेश भाव देखें जो कि राशि स्वामी द्वारा, युति द्वारा, दृष्टि द्वारा लिए जाते हैं, तो केतु 2रे भाव, 7वें भाव, 11वें भाव का कारेश है। तो अब हमें सप्तम भाव के उपनक्षत्र स्वामी बुध के द्वारा 2, 7, 11 तीनों भाव मिल गए हैं। तो यानी कि जातक की जो शादी है उसका प्रॉमिस मिल गया है। अब हम बात करेंगे कारेश ग्रहों की। यदि आप देखें 2रे भाव के कारेश ग्रह हैं बुध, मंगल, बुध। 7वें भाव के जो कारेश ग्रह हैं चंद्र, सूर्य, चंद्र, शनि। 11वें भाव के जो कारेश ग्रह हैं गुरु, राहु, केतु, सूर्य, बुध, मंगल, बुध। तो इस प्रकार से 2, 7, 11 भावों के कारेश ग्रह भी मिल गए हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूं कि 2, 7, 11 भावों के ये ABCD के कारेश ग्रह हैं। तो ई के जो ई कॉलम के सिग्निफिकेटर बनते हैं जो 2, 7, 11 के ये
ग्रह आए हैं इनके साथ दृष्टि में युति में जो ग्रह हो वो ई कॉलम में लिए जाते हैं। तो अब हम आगे ये देखेंगे कि जातक की शादी कब हुई। तो इस जातक का जो जन्म है 1972 में। अब यहाँ पर हम यदि दशा देखें तो केतु की महादशा 1998 तक की थी, उसके बाद शुक्र की महादशा जो कि 1998 से शुरू है और 2018 तक है। शुक्र की महादशा जो है ये शादी के लिए उपयुक्त है। अब यदि हम देखें शुक्र के साथ कौन कौन से ग्रह कनेक्टेड हैं, अब शुक्र के साथ सबसे पहले देखें शुक्र किसी ग्रह का उपनक्षत्र स्वामी बन रहा है, किसी ग्रह का उपनक्षत्र स्वामी नहीं बना। शुक्र किसी ग्रह का नक्षत्र स्वामी बना है, किसी ग्रह का नक्षत्र स्वामी नहीं बना। शुक्र जो है बुध की राशि में, मंगल के नक्षत्र में और केतु के उपनक्षत्र में है। तो यहाँ पर हमें बुध, मंगल और केतु मिले। और यदि हम देखें शुक्र कुंडली में जो है 11वें भाव में स्थित है और उसकी दृष्टि गुरु के ऊपर पड़ रही है तो गुरु भी कनेक्टेड हुआ। तो इसका मतलब शुक्र जो है बुध, मंगल, केतु और गुरु के साथ कनेक्टेड है। बुध, मंगल, केतु और गुरु, बुध मंगल दूसरे भाव के कार्यश हैं गुरु और केतु 11वें भाव के कार्यश हैं। तो शुक्र की महादशा में पहले शुक्र की अंतर्दशा आई। शुक्र की अंतर्दशा को हम नहीं लेंगे क्योंकि शुक्र अपने द्वारा कनेक्टेड दोबारा से नहीं हुआ। उसके बाद सूर्य की अंतर्दशा आई, सूर्य भी शुक्र के साथ कनेक्टेड नहीं है। उसके बाद चंद्र की अंतर्दशा आई, चंद्र भी शुक्र के साथ कनेक्टेड नहीं है। उसके बाद आई मंगल की अंतर्दशा और मंगल जो है शुक्र के साथ कनेक्टेड है क्योंकि शुक्र मंगल के नक्षत्र में है और मंगल दूसरे भाव का कार्येश है, साथ में 11वें भाव का भी कार्येश है। तो मैं मंगल की दशा को, अंतर्दशा को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब मंगल की अंतर्दशा में मंगल की प्रत्यंतरदशा आई और मंगल हमारा एक ही बार शुक्र के साथ कनेक्टेड हुआ था इसलिए इसको मैं दोबारा नहीं लूँगा। उसके बाद राहु की प्रत्यंतरा आई, राहु शुक्र के साथ कनेक्टेड नहीं है इसलिए मैं राहु को भी नहीं लूँगा। उसके बाद गुरु की प्रत्यंतरदशा आई और गुरु जो है दृष्टि के द्वारा शुक्र की गुरु के ऊपर दृष्टि, गुरु की शुक्र के ऊपर दृष्टि, तो शुक्र गुरु दृष्टि के द्वारा शुक्र के साथ गुरु कनेक्टेड है अतः मैं गुरु की प्रत्यंतर दशा लूंगा। और गुरु की प्रत्यंतर दशा जो है 23 जून 2004 तक है। जातक की शादी जो 29 मई 2004 में हुई, शुक्र की महादशा में, मंगल की अंतर्दशा में, गुरु की प्रत्यंतरदशा में। और यदि देखें तो 29 मई 2004 में शुक्र की ही सूक्ष्मा थी क्योंकि शुक्र की सूक्ष्मा 3 जून 2004 तक है। तो इस प्रकार से कनेक्टेड ग्रह 2, 7, 11 भावों के कार्येश, इनके द्वारा शादी के विषय में साफ तौर पर पता चलता है। शुक्र मंगल गुरु,
तो इस प्रकार से कनेक्टेड ग्रहों का जो कि एक नया विकल्प है, बहुत ही अच्छे ढंग से पता चलता है कि कनेक्टेड ग्रह कार्येष भावों के जो कार्येष ग्रह हैं उनके साथ मिलकर किस प्रकार से इवेंट तक पहुंचने में मदद करते हैं। धन्यवाद।